लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने भारतीय क्षेत्र में चीन को घुसने दिया और उन्हें सौंप दिया है। उन्होंने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री ने चीनी आक्रामकता के आगे भारतीय क्षेत्र को चीन को सौंप दिया है। कांग्रेस नेता ने सवाल किया कि अगर ये भूमि चीन की थी तो हमारे सैनिक क्यों शहीद हुए। गौरतलब है कि मोदी ने भारत चीन तनाव पर शुक्रवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कहा कि न कोई हमारे क्षेत्र में घुसा और न ही किसी ने हमारी चौकी पर कब्जा किया है। प्रधानमंत्री ने लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुए हिंसक झड़पों को लेकर बुलाई गई इस बैठक के अंत में कहा कि चीन ने जो किया है उसे पूरा देश आहत है और आक्रोशित भी है। पीएम मोदी ने सर्वदलीय बैठक में कहा कि सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों ने भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की हिमाकत करने वालों को सबक सिखाया। उन्होंने कहा कि सेना की यथोचित कदम उठाने की आजादी दी गई है। सरकार ने एक बयान में कहा, प्रधानमंत्री ने बैठक की शुरुआत में स्पष्ट किया कि न वहाँ कोई हमारी सीमा में घुसा है, न हमारी कोई चौकी पे दूसरों ने कब्जा किया है। सरकार ने कहा कि राजनीतिक दलों के नेताओं ने लद्दाख में सशस्त्र बलों की बहादुरी की प्रशंसा की और इस जरूरत के समय प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर भरोसा जताया। उन्होंने सरकार के साथ एकजुटता से खड़े रहने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। बैठक में सोनिया गांधी ने सरकार से कुछ सख्त सवाल पूछे, मसलन क्या LAC पर बने हालात पर कोई खुफिया विकल्पता है। उन्होंने मोदी से आश्वासन देने के बारे में कहा कि सीमा पर यथास्थिति बहाल की जाएगी। लाइव इंडिया तक रिपोर्ट।